नेक्स्ट हम कवर करेंगे क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस का मतलब उधार खरीदने से है, यानी अगर आप कभी भी किसी भी दुकानदार से उधार आप सामान खरीदते हैं, बकाया खरीदते हैं, तो उसे हम क्रेडिट परचेस कहते हैं। सपोज आप किसी दुकान, जैसे प्रेशर्स कंप्यूटर करके दुकान है और वहाँ आपकी जान पहचान है जिससे आप जाकर गुड्स को खरीदते हैं, सपोज आपको लैपटॉप परचेस करना है और आपका फ्रेंड है, फ्रेंड की दुकान है, आपको बिना पैसा लिए लैपटॉप दे देता है, तो जब आप बिना पैसे का सामान खरीदते हैं उसे हम क्रेडिट परचेस कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्रेडिट परचेस उधार से है, आप किसी भी दुकान से किसी एक डेट को, एक पर्टिकुलर डेट को, किसी भी गुड्स को आप परचेस करते हैं जिसका पैसा आप नहीं देते हैं और उसके पैसे को बाद में देना होता है, बाद में भुगतान करना होता है, उसे हम क्रेडिट परचेस करते हैं। जब भी हम क्रेडिट परचेस करते हैं तो क्रेडिट परचेस करने के लिए जो आपकी बिल होती है उसको चालान बोला जाता है, यानी चालान की बिलिंग की जाती है, आपको चालान की बिलिंग काट कर और दी जाती है, यानी उसका मतलब हो गया कि आपने उधार सामान खरीदा है, तो इसे हम क्रेडिट परचेस करते हैं। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कैश परचेस। कैश परचेस हर आदमी जानता है, कैश का मतलब नगद होता है, यानी आप किसी दुकान पर जाते हैं और पैसा देकर किसी गुड्स को किसी पर्टिकुलर डेट में खरीदते हैं, उसे हम कैश परचेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं तो जब किसी गुड्स को किसी दुकानदार से एक डेट में खरीदते हैं, नगद खरीदते हैं, तो उसे ही हम कैश परचेस कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि आप पैसा देते हैं और सामान लेते हैं, उस कंडीशन में हम कैश परचेस के नाम से जानते हैं। अगला हमारा होता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न जो टॉपिक है ये हमारा होता है कि किसी भी सामान को खरीद कर आपने अगर लाया और उसको वापस करने की ज़रूरत पड़ गई, उसे हम परचेज रिटर्न करते हैं। जैसे सपोज हमने एक कीबोर्ड खरीद कर लाया प्रेशर्स कंप्यूटर से और उस कीबोर्ड को फिर वापस करना हमें ज़रूरत नहीं है, सेम डे में ही खरीद कर हमने लाया और सेम डे में अगर उसे वापस करना है, तो उस कंडीशन में हम परचेज रिटर्न के थ्रू सामान को वापस करते हैं। जब आप दुकानदार को वापस ले जाकर सामान दे देते हैं और उससे कैश आपको रिसीव हो जाता है, आप अपने कंप्यूटर पर परचेज रिटर्न के अंदर एंट्री करते हैं कि हमने ये सामान इतने रुपए का वापस कर दिया, तो जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये तीन और चारों पांचों टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे हम टॉपिक को कवर करेंगे क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का सेंस क्या होता है? क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है उधार। क्रेडिट कहीं भी लिखा हो तो क्रेडिट समझ जाइएगा कि उधार से मतलब है, और सेल्स का मतलब होता है बेचना, यानी उधार बेचना। अगर किसी कस्टमर को हमें उधार बेचना है, सामान बेचना है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्रेडिट सेल्स के थ्रू बेचते हैं। जैसे अगर आपका फ्रेंड है और वो आपके पास आ गया, आपके कंप्यूटर की शॉप है और उसे कीबोर्ड चाहिए, उसे कीबोर्ड उधार बेचने के लिए आप क्रेडिट सेल्स के थ्रू सेल करते हैं, यानी उसके नाम का एक लेज़र बनाते हैं और उसके नाम पर कीबोर्ड की एंट्री कर देते हैं, जिससे वो आपकी क्रेडिट सेल्स नाम से एंट्री हो जाती है। तो जब भी आपको किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को, पर्सन को उधार सामान देना होता है, तो उस कंडीशन में हम क्रेडिट सेल्स का यूज़ करते हैं।